नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करें हैं क्लास 12 के जो फिजिक्स का सिलेबस है वो। तो क्लास 12 की जो फिजिक्स है वो देखो, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी विद्युत गतिकी। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी है वो क्लास 12 के एक से लेकर चार चैप्टर तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, जो 8 नंबर की है जी। कितने नंबर की है? 8 नंबर की। और ये है विद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक, ये 5 से लेकर 10 चैप्टर तक ये आ गया, इनकी हम आगे बात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी देखिए तो यानी कि नाम से स्पष्ट है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर का मतलब होता है विराम। स्थिर का मतलब होता है विराम, या हम बोल सकते हैं रेस्ट। अब देखिए, विद्युत आपने छोटी क्लास में पढ़ा है क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत। क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी कि आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। अगर अब हम कहें कि यदि आवेश का प्रवाह होना बंद हो या फिर आवेश प्रवाह ही ना हो, मतलब आवेश क्या हो? स्थिर हो। क्या हो? आवेश स्थिर हो, समझ में आ गया। यानी कि आवेश क्या हो? स्थिर हो, विराम हो, रेस्ट पर हो, एट रेस्ट, स्थिर यानी कि चार्ज, ठीक है। यानी क्या होगी? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी मतलब क्या होती है? सिंपल सी डेफिनेशन, जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है जी? स्थिर वैद्युतिकी। जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन समझ में आ गई। या फिर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें कि विद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों तथा स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब देखो, स्थिर वैद्युतिकी का जो मामला था आपको समझ में आ गया, और इसके अंदर हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है? पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चैप्टर हमारा फर्स्ट आता है वो है विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता चल गया कि स्थिर विद्युत की होती क्या है? आवेशों का जो प्रवाह होना बंद हो जाए, यानी कि जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। या हम साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर कहें कि विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा स्थिर आवेशों के मध्य होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाती है? स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम जान लेते हैं कि आवेश क्या होते, यानी कि चार्ज। सबसे पहले जान लेंगे कि आवेश क्या होता है। तो देखिए, आवेश है यानी किसी भी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित, किसी भी वस्तु में आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण ही किसके कारण उत्पन्न होता है जी? आवेश के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आपको आवेश समझ में आ गया।
आवेश की खोज की थी भाई, आवेश की खोज है वो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी भाई। आवेश की खोज किसने की थी? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो आवेश है वो क्या कैसे उत्पन्न होता है? तो आवेश को उत्पन्न करने के लिए देखो कि एक एम्बर नामक पदार्थ था भाई, एक एम्बर नामक पदार्थ था, तो उस एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा गया भाई। किससे रगड़ा गया? ऊन से रगड़ा गया। फिर क्या हुआ कि जो एम्बर नामक जो पदार्थ था वो ऊन से रगड़ने के बाद या घर्षित करने के बाद क्या हुआ कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। अपनी ओर क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। और ठीक उसी इसी प्रकार जब हुआ, जब हम एक कांच की छड़ली, जब हम क्या लेते हैं कांच, ठीक उसी प्रकार तब हुआ कि एक कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तथा एक एबोनॉइड की छड़ ली। किसकी छड़ ली? एबोनॉइड की छड़ ली, और उस एबोनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। बिल्ली की खाल से रगड़ा गया भाई। तो क्या हुआ कि जो एबोनॉइड की छड़ है और कांच की जो छड़ है वो एक दूसरे को क्या करने लगे? प्रतिकर्षित करने लग गए भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आवेश क्या है? कि घर्षण से उत्पन्न होता है, ठीक है। और अब हम प्रयोग करेंगे कि आवेश के प्रकार, या फिर आवेश आकर्षण आकर्षण कैसे होने लगा, प्रतिकर्षण कैसे होने लगा, धनात्मक आवेश कैसे आया, ऋणात्मक इसकी उत्पत्ति मतलब कैसे हुई। इसके लिए हम दो छड़ लेते हैं, एक लेते हैं ग्लास की छड़ यानी कि ग्लास रोड, एक लेते हैं एबोनॉइड की छड़। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जो ग्लास की रोड को हमने रेशम के कपड़ों से रगड़ते हैं, और उनको रगड़ने पर दोनों की जो छड़ है, दो छड़ ले ली हमने कांच की, वो उन दोनों को क्या किया कि रेशम के कपड़ों से रगड़ने के बाद उन दोनों को, एक छड़ को हमने कांच की छड़ को ऐसे लटका दिया जी, और दूसरी छड़ को क्या करते हैं कि उस छड़ के पास ले जाते हैं, तो वो क्या करने लग जाती है जी? प्रतिकर्षण। ठीक उसी प्रकार जैसे चुंबक के दो ध्रुव N और N को ले जाते हैं तो वो क्या करने लग जाती है? प्रतिकर्षण। ठीक उसी प्रकार कांच की छड़ को, एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद उनके पास में या समीप में लाया जाता है तो वो क्या करने लग जाती है जी? प्रतिकर्षण करने लग जाती है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो एबोनॉइड की छड़ है उनको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। दो छड़ ले ली, एक ही मटेरियल की दो छड़ ले ली और एक ही जो पदार्थ से उनसे रगड़ा गया। फिर क्या हुआ कि जो एबोनॉइड की छड़ को ऐसे, एक एबोनॉइड की छड़ को लटका दिया गया और दूसरी जो एबोनॉइड की छड़ है उनके समीप में लाया गया, तो उनके मध्य भी क्या पाया गया भाई? प्रतिकर्षण पाया गया। फिर क्या हुआ कि जो एक छड़ है ना, फिर सोचा कि एक छड़ तो ले लीजिए कांच की छड़, और कांच की छड़ को किससे रगड़ा गया? रेशम के कपड़ों से। और एक ले लीजिए एबोनॉइड की छड़, और उस एबोनॉइड की छड़ को किससे रगड़ा गया? बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। एब कांच की छड़ को ऐसे लटका दिया गया और दूसरी जो छड़ है एबोनॉइड की छड़ को समीप लाया गया, तो वो क्या पाया गया जी? आकर्षण पाया गया। क्या पाया गया? आकर्षण पाया गया। अभी तक हमने जान लिया कि जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दो जो शब्द अपने सामने आ गए, अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा धनावेश छड़ कौन से धनावेश को आकर्षित करते हैं, किसको ऋणावेश को आकर्षित करते हैं, अभी तक हमें नहीं मालूम। अभी तक हमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का ही मालूम है। अभी धनावेश कौन सी है, इसमें धनावेशित छड़ कौन सी है, ऋणावेशित कौन सी है, अभी तक नहीं पता है। अब फिर क्या हुआ, फिर एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे।
उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं एक छड़ को यानी कि कांच की छड़ को दे दो या फिर ये एबोनाइट की छड़ को, एक छड़ को मैं धनात्मक आवेश दे देता हूं और एक छड़ को मैं दे देता हूं ऋणात्मक आवेश। एक छड़ को दे दिया जी धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और एक छड़ को दे दिया जी नेगेटिव आवेश यानी कि ऋणात्मक चार्ज। ये तो दे दिया जी, कांच वाली को तो दे दिया धनात्मक, और जो एबोनॉइड की छड़ थी उनको दे दिया जी ऋणात्मक आवेश या ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज। कांच वाली को तो बोल दिया धनात्मक और एबोनॉइड वाली को बोल दिया ऋणात्मक। अब देखो जी, अब क्या पता चला हमें, जो धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक आवेश की छड़, ये भी धनात्मक आवेश की छड़, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। ये भी ऋणात्मक आवेश वाली छड़ है और ये भी ऋणात्मक आवेश वाली छड़ है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है जी, प्रतिकर्षित कर रही है। और इस तीसरे स्टेप में क्या हुआ कि ये तो क्या है, धनात्मक आवेश वाली छड़ है और एक है ऋणात्मक आवेश वाली छड़, ये एक दूसरे को क्या कर रही है जी, आकर्षित कर रही है। फिर हमें क्या पता चला है कि जो सजातीय प्रकृति की जो छड़ है या सजातीय आवेश है वो क्या कर रहे हैं जी, एक दूसरे को जैसे जैसे प्लस जो धनात्मक वाली छड़ है वो क्या कर रही है जी, एक दूसरे को प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षण पाया जाता है, प्रतिकर्षित कर रही है जी। और एक जो धनात्मक छड़ है और एक ऋणात्मक छड़ है वो एक दूसरे को क्या कर रही है जी, आकर्षित कर रही है, क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। फिर हमें पता चल गया है कि जो सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश है वो, उन सजातीय आवेशों में क्या पाया जाता है, सजातीय आवेशों में क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है, और विजातीय आवेशों में क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है जी। विजातीय आवेशों में क्या पाया जाता है, विजातीय आवेशों में क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आवेश, अब तो हमने सीख लिया कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है और इनके जो आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये हमने पढ़ लिया जी। आकर्षण किस में होता है, प्रतिकर्षण किस में होता है, और आवेश कैसे उत्पन्न होता है। अब हम आवेश उत्पन्न करने की विधियां पढ़ेंगे जी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।